हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम 2016 लेकर आए हैं। और ये जो पेपर हुआ था, ये 13 अगस्त 2016 को जो है हुआ था। 100 मार्क्स का पेपर था और 1.5 घंटे में जो है इसको अटेम्प्ट करना था, ठीक है। चार इसके सेक्शन थे और चारों सेक्शन जो हैं वो हिंदी, इंग्लिश, जीके, ठीक है, और मैथ, जिसमें एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के भी थे। तो शुरुआत हिंदी से करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 11, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है जो सही वर्तनी आपने चुननी है, एक तरह से सही शब्द चुनना है। तो इस पुस्तक के अंत में दो परिशिष्ट दिए गए हैं, तो परिशिष्ट की जो सही स्पेलिंग है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। परि, प में र की छोटी की मात्रा, ठीक है, श में जो है छोटी की मात्रा, आधा श और ट, ठीक है, सी ऑप्शन है। फिर है व्यवहारिक रूप से आप की बात ठीक हो सकती है, तो यहाँ जो व्यवहारिक शब्द है वो जो बी ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी, ये सही जो है व्यवहारिक इसका जो है शब्द है। फिर है निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पर जो है ये न में छोटी की मात्रा, ठीक है, साथ में विसर्ग है, तो नी प्लस उत्तर, डी ऑप्शन, ठीक है, विसर्ग संधि है यहाँ पर। सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद, तो सर्वनाम के जो है वो 6 प्रकार हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, तो इसको समास कहा जाता है, ठीक है। फिर नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में जो है वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो इसमें जो है व में छोटी की मात्रा, यानी सी ऑप्शन, वी जो है विज्ञान में जो है प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। फिर निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो इसमें कुछ क्या है, तो कुछ जो है यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। क्वेश्चन फिर है मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करिए। अंतर के पट खोलना, इस मुहावरे का अर्थ है विवेक से काम लेना, ठीक है, प्रशंसा करना, भेद खोलना, अपमानित करना, तो अंतर के पट खोलने का अर्थ है विवेक से काम लेना। मंत्र फूकना, तो मंत्र फूकने का जो अर्थ है वो है आपका बहका देना, ठीक है, वशीकरण करना, प्रभाव दिखाना, क्रोध शांत करना, बहका देना, तो यहाँ बहका देना है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द, दामिनी विद्युत को कहा जाता है, बिजली को। मृदुल का विलोम शब्द, तो मृदुल का विलोम शब्द है रुक्ष, ठीक है, कठोर नहीं होता, ध्यान रखें, रुक्ष जो है सही विलोम शब्द है मृदुल का। फिर है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, तो ये दावनल कहलाती है, ठीक है। कष्ट से संपन्न होने वाला ये क्या कहलाता है, तो ये कष्ट साध्य कहलाता है, ठीक है, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, तो कष्ट साध्य कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर जो है वो फिलिंदा ब्लैंक्स, उचित फिलिंदा ब्लैंक्स से रिक्त स्थान जो है वो उसकी पूर्ति करनी है। समाज में जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर डैश लग गए हैं, तो गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता, तो उन्मेष आएगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन, उन्मेष नहीं कर सकता, प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। फिर वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, तो वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता, तो यहाँ पे सच्चा आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे, ठीक है। फिर है निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, ठीक है, तो चोर को देखकर सिपाही सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यहाँ पर जो है वो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है, मिक्स्ड सेंटेंस है। वह स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी छूट गई, ये कौन सा वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, यहाँ पे और का इस्तेमाल हुआ है। अंश अंश, ठीक है, अंश और अंश, तो जो ये इसका मतलब, एक अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो सही है। इसमें जो वाक्य दिया है, वाक्य में के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यह निर्भ्रात सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां स्त्री के स्नेह की छाया में जितने विकसित हो सकती हैं उतना किसी अन्य उपाय से नहीं, या कोई त्रुटि नहीं, तो यहाँ पर जो है वो उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं, यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है वो त्रुटिपूर्ण है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से कंठ वर्ण है, तो ह जो है वो कंठ से बोला जाने वाला है,
ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग के तो है उस पे 1 और 6 दे रखा है, ठीक है। आपके बीच के जो सही भाग हैं य र ल व की संज्ञा दी गई है, इन चारों को जो है वो उचित क्रम में लगाना है, ठीक है। तो पहला है गत 80 वर्षों के, और छठा है सामने आकर भी नहीं आ पाता। तो जो सही सीरीज है वो है डी वाला ऑप्शन, व य ल और र। अब हम इसको देखते हैं पढ़कर। गत 80 वर्षों से राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना भोथरा बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती, ठीक है। तो ये व य ल र इसका सही सीक्वेंस है, तो ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो इंग्लिश का सेक्शन है, एक पैसेज है, उसके बाद कुछ उसके ऊपर जो है वो प्रश्न आंसर है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, इफ ही मेक्स अ प्रॉपर डिविजन ऑफ हिज टाइम ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ, बट इफ ही डज अदरवाइज ही इज श्योर टू रिपेंट। टू किल टाइम इज सिनफुल, यूथ इज गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ, इफ वी लूज दिस टाइम वी विल हैव टू रिपेंट द होल ऑफ अवर लाइफ, हु स्पॉइल्स अ मैन लाइफ, टू मैन हिमसेल्फ, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर इन लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा टाइम, बी वाला ऑप्शन। इफ वी आर नॉट केयरफुल इन अर्ली लाइफ, इन लेटर लाइफ वी विल सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस, प्रोस्पेंसिटी, मिसबिहेवियर, इरेगुलरिटी या लॉस, तो लॉस आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर है इन ईच ऑफ द क्वेश्चन अ सेंटेंस विद वन और मोर ब्लैंक हैज बिन गिवन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। तो सही ऑप्शन के साथ आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। देयर वर डैश व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, तो देयर वर फ्यूअर व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, यानी ए ऑप्शन आएगा यहाँ पर। कैन यू ब्रिंग मी, क्वेश्चन नंबर 30, कैन यू ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन, तो यहाँ पे आंसर है कैन यू ब्रिंग मी दोस बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन, डी वाला ऑप्शन आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज बेयरली सफिशियंट टू डैश 12 पीपल टू द एकड़, तो द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज बेयरली सफिशियंट टू सस्टेन 12 पीपल टू द एकड़, तो यहाँ सी ऑप्शन आएगा। वट डैश मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो वट मैटर्स मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो यहाँ मैटर्स आएगा, सी ऑप्शन। फिर द इंसिडेंट हैज डैश सीवियर डैमेज टू द डैश ऑफ द एम्प्लॉई, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, कॉज्ड एंड मोरल, द इंसिडेंट हैज कॉज्ड सीवियर डैमेज टू द मोरल ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 35, यहाँ पे अप्रोप्रिएट कंजक्शन जो है उसको फिल करना है। वी आर लिविंग ऑन वेनसडे डैश और नॉट इट रेन्स, ठीक है। तो वी आर लिविंग ऑन वेनसडे वेदर और नॉट इट रेन्स, तो बी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक, पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, बी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 37 में जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट वर्ड, द फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड डैश ट्रेन, तो द फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। ही टेक्स मच इंटरेस्ट डैश पेंटिंग लैंडस्केप्स, ही टेक्स मच इंटरेस्ट इन पेंटिंग लैंडस्केप्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा इन, ठीक है। फिर चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द 4 ऑप्शंस, रवि हैज बीन डैश इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 ईयर ओल्ड, तो रवि हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, स्टेइंग आएगा, बी ऑप्शन। व्हाट डैश यू बिजी यस्टरडे, व्हाट कैप्ट यू बिजी यस्टरडे, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, कैप्ट, ठीक है, यू बिजी यस्टरडे। फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स, हिज फर्स्ट फेलियर डिड नॉट डैश हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट, हिज फर्स्ट फेलियर डिड नॉट डेटर हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट, तो यहाँ पे डेटर आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, 42, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कैलीग्राफी कहा जाता है, ठीक है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 42, फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको प्लेक कहा जाता है, PLAQUE, ठीक है, प्लेक कहा जाता है। फिर चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पेरिनिशियस की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो बी ऑप्शन है, PERNICIOUS, पेरिनिशियस, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग है सी ऑप्शन, यहाँ पे CONFIDENTIAL, कॉन्फिडेंशियल करेक्ट स्पेलिंग जो है इसकी सी ऑप्शन है। फिर चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है, बॉदर्ड, तो बॉदर्ड का जो है वो एंटोनिम क्या है, तो यहां पर आएगा अनइंटरेस्टेड, ठीक है, बॉर्डर किसी के लिए परेशान होना, बॉदर्ड, ठीक है, यहां पर जो है वो किसी के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं दिखाना। डिनाउंस का जो अपोजिट है, एंटोनिम है, वो है एक्सेप्ट, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, तो यहाँ पे एक तरह से सिनोनिम आपने चूज करना है, समानार्थक शब्द। तो स्टंड का मतलब है सरप्राइज्ड, ठीक है, बी ऑप्शन। 48 में गैलेंट्री का मतलब है वैल्योर, ठीक है, बी ऑप्शन। फिर है कंप्लीट द सेंटेंस या प्रवर्ब बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बर्ड्स ऑफ अ फैदर क्या आएगा यहाँ पर, तो बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टूगेदर, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इडियम अंडरलाइन इन द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, द साइंटिस्ट वर्क फॉर डोंकी ईयर्स टू अराइव एट अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे डोंकी ईयर्स का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम है। तो ये 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, मैथ के देखते हैं। 8597 माइनस क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 7429 माइनस 4358, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है 5526, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर है दो संख्याओं एक्स तथा वाई का जो महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो है तथा LCM जो है वो 3 और 105 है, ठीक है। तो HCF 3 है और LCM जो है वो 105 है। यदि x प्लस वाई 36 है तो x बटा 1 बटा x प्लस 1 बटा y ये किसके बराबर होगा, तो ये 4/35 के बराबर होगा, ठीक है। फिर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर बटा 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर आएगा 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 53। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, 5/5/6 × 6/3/6 + 5/2 ये किसके बराबर होगा, इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 43, ठीक है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 के बाद मैथ का क्वेश्चन नंबर 55, यदि x इंटू जो है वो आप स्क्वायर रूट जो है 0.0016 इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 100 होगी, ठीक है, x इंटू स्क्वायर रूट जो है 0.0016 इज इक्वल टू 4। फिर है x माइनस वाई इज का 60% बराबर 40% x प्लस वाई, तो यहाँ तो y x का कितना परसेंट है, तो y जो है वो x का 20% है यहाँ पर, ठीक है। फिर है तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8/9 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3/4 है, यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे दूसरी संख्या जो है वो 45 होगी, ठीक है। फिर है यदि 2^2x + 4 = 16x आता है तो x की जो क्यूब रूट है यानी कि x का जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब रूट नहीं, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, घन कितना होगा, x का घन जो है फिर वो उसकी वैल्यू आएगी 8, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है तो इन दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है, तो इनका अनुपात जो है वो 6:7 के बराबर होगा, ठीक है। इस श्रृंखला में 2, 5, 11, 20, 32, 47, 86 में लुप्त संख्या क्या है, तो इसमें जो लुप्त संख्या है बी ऑप्शन में वो है 65। ए ने संतरों की कुछ मात्रा 1200 रुपए में खरीदी, उसने 1/3 संतरे 20% हानि पे बेच दिए, यदि ए का कुल लाभ 10% है तो उसने बचे हुए संतरे कितने लाभ पर बेचे, तो उसने 25% लाभ पे जो है बचे हुए संतरे जो है वो बेचे, ठीक है। एक दुकानदार कुछ चीजें क्रय मूल्य के अनुसार बेच रहा था परंतु 1 किलो के बदले वह 900 ग्राम बांट रहा था,
उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 11 into 1/9%। ठीक है, फिर दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि दो संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो अभी अनुपात 3/5 है, तो अगर उसमें 10 बढ़ा दिया जाए दोनों संख्याओं में तो अनुपात 5/7 हो जाता है। ठीक है, तो संख्याएं कितनी है, तो संख्या जो है वो 15 और 25 है। ठीक है, तो 15 25 है, बाद में जब इसमें बढ़ा देंगे 10 तो फिर हो जाएगा 25 और 35, तो 5/7 आ जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु में 5/4 का अनुपात है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 11/9 हो जाएगा। ठीक है, 11:9 हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, तो श्याम की वर्तमान आयु जो है वो 24 वर्ष है। ठीक है, ए और बी ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 3,500 और 2,500 रुपए जो है लगाए। 4 माह बाद सी ने जो है उनको 6,000 देकर वो भी शामिल हो गया। यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर 1,977 रुपए था तो कुल वार्षिक आय कितनी थी, तो कुल वार्षिक आय जो थी वो 13,180 रुपए थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि x प्लस वाई 18 है और x इंटू वाई जो है वो 72 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो ये आएगा 180। ठीक है, ये 180 आएगा। 36 मजदूरों ने किसी काम को 14 दिन में पूरा किया, यदि 8 दिन में काम खत्म करना हो तो कितने ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर हमें 27 मजदूरों की और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ए बी से 60% ज्यादा सक्षम है, यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकता है तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है वो कितने दिन में खत्म कर पाएंगे, तो वो है सी ऑप्शन 9:3/13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, इसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए व निम्न में से सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ए है एक्स स्क्वायर प्लस 8x+15=0, वाई स्क्वायर प्लस 3y+2=0, तो इसमें सही समीकरण क्या है, तो x<y>, डी ऑप्शन जो है वो सही समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, 2,000 रुपए 5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 2,600 रुपए हो जाते हैं, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये जो है वो 2,900 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अंकों के युग्म -5, 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी क्या है, तो ये है 4√2। ठीक है, √2 या √2। 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड ईयरली, तो इसका आंसर आएगा 2,646, ए ऑप्शन। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 20% फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज्ड इन इट्स एरिया, तो ये होगा 36% एरिया जो है उसका कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे एक चित्र दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी और ए बी सी का जो एंगल है वो 50 डिग्री है, ए एम बी सी पे जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, तो एम बी ए जो एम ए बी एंगल क्या कितने डिग्री का होगा, तो एम ए बी एंगल जो है वो 40 डिग्री का होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मैथ सेक्शन का, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में तय करता है, उसी दूरी को 1/2-3 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो उसकी स्पीड होगी 720 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे जीके सेक्शन, पहाड़ पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित किया गया, 1 नवंबर 1966। भुंडा उत्सव जो है शिमला कुल्लू मनाली में मनाए जाने वाला, ये किससे संबंधित है, तो ये परशुराम जी से संबंधित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, तो ये जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है, डी ऑप्शन। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पे आक्रमण करने वाले गोरखा सेना का कमांडर कौन था, तो ये थे अमर सिंह थापा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर 80 है, 1809 में ज्वालामुखी संधि किस किस के बीच में हुई थी, तो ये संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी, सी ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये शानन है जोगिंदरनगर की। ठीक है, मंडी में झांझर किस जिले का प्रसिद्ध डांस है, तो ये चंबा का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। ठीक है, फिर है भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो धर्मशाला है, अब तो शिमला भी शामिल कर लिया गया है। 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, पंडित पद्मदेव ने किया था। ठीक है,
निम्न में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, ए ऑप्शन, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल की परतों को सही क्रम में लगाना है, ठीक है, तो सी ऑप्शन है, सबसे पहले शोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, ठीक है, फिर मध्य मंडल और लास्ट में जो है वायुमंडल, ठीक है। सबसे पहले जो है वो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और लास्ट में थर्मोस्फेयर। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये ओसोफेगस से, सॉरी ओरल कैविटी, बकल कैविटी जिसको कहा जाता है, मुख गुहिका, वहां से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे उनके शरीर पे बाल, वे शरीर पर बाल वाले होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनका हृदय तीन कक्षीय होता है, वे कुछ जलचर होते हैं। तो ये जो उनका हृदय तीन कक्षीय होता है ये गलत है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस किसी न किसी स्तनधारी में जो है वो ज्यादातर में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है? तो लिथियम जो है वो मोबाइल बैटरी, फोन बैटरी में इस्तेमाल होती है, ठीक है। कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी तीन जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? तो यहाँ पर जो है लोथल, गुजरात का लोथल जो है वो एक तरह से डॉकयार्ड था, ठीक है, पोर्ट सिटी था सिंधु घाटी सभ्यता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, बी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। खेल प्रशिक्षण यानी कि स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए जो है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोचिंग के लिए दिया जाता है। 29 मई 2016 को आईपीएल 9 प्रतियोगिता किस टीम ने जीती थी? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद ने जीती थी। नारी मादा भ्रूण हत्या के मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवृत्त कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है वो शुरू किया, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति संबोधित करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर संबोधित तो राष्ट्रपति करता है, ए ऑप्शन आएगा यहाँ पे प्रेसिडेंट। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती हैं किस दिशा में? तो ये साउथ वेस्ट, क्योंकि दक्षिण पश्चिम की दिशा में बहती हैं, तो इसको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। फिर है मैत्री एक्सप्रेस जो है वो रेलवे, रेलवे सेवा किससे संबंधित है? तो ये भारत बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व कैरोसिन तेल के घनत्व से ज्यादा है, यदि दोनों को मिला दें तो क्या होगा? तो कैरोसिन जो है वो जल के ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये, ठीक है, भारत में जो है वो समुद्र से धरातल की तरफ बहती है, लेकिन मानसून दक्षिण पश्चिम है, लेकिन बहने की दिशा जो है वो उत्तर पूर्व भी है की तरफ को होती है, ये ध्यान रखना, पर मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम है। आंसर इसका सी है, ठीक है। तो धन्यवाद।